सिखाता हूँ सबसे फर्स्ट स्टेप में क्या करना चाहिए। देखो मैं ऐसे नहीं बता रहा हूँ कि मैं अपनी मर्जी से कुछ भी बता रहा हूँ, बिकॉज बिफोर स्टेप वन स्टार्टेड फॉर दिस, तो पहले आपको क्या करना चाहिए, पहले आप लोगों को एक जंपिंग वाला ऐसे ऐसे करना चाहिए कम से कम 5 मिनट तक, ठीक, प्रॉपर ऐसे ऐसे करना चाहिए, ठीक, ताकि हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है प्रॉपर हो जाए, ठीक है, ऐसे ऐसे करके 5 मिनट आप वॉच में देखकर घड़ी में 5 मिनट तक कर सकते हैं, ताकि हमारी जो ब्लड का सर्कुलेशन है मांसपेशियां ढील हो जाए, ठीक। उसके बाद में आप क्या कर सकते हो, उसके बाद में एक वन देखना, ये हमारा चेस्ट है, हमने इसको क्या किया इतने पे बराबर पर लेकर आए, ये ठीक है, ये वाला हाथ जो हमारा राइट है लेफ्ट पैर पर और लेफ्ट वाला राइट पैर पर जाना चाहिए, ठीक है, ऐसे, ठीक। स्टेप वन हो गया, स्टेप वन के बाद में फिर जब आप ऐसे करोगे कम से कम 5 मिनट तक, 5 मिनट नहीं, अगर 2-3 मिनट करोगे प्रॉपर बेटर तो हो जाएगा, ठीक, आप अपने हिसाब से कर सकते हो। उसके बाद में थर्ड स्टेप आपको क्या करना है, जब आप जंपिंग वाला कर चुके होंगे उसके बाद में रेसिंग वाला, फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, ऐसे आपको हाथ करने ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे करना, ठीक, ऐसे ऐसे करना है कम से कम 2 मिनट तक, ठीक, अगर स्टार्ट कर रहे हो तो 2 मिनट तक करना, बाकी अपने हिसाब से बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद में जब ये कर हुई है ना, फिर उसके बाद में आप लोग क्या करोगे, पूरा शरीर स्ट्रेट बॉडी बिफोर लेफ्ट, और उसके बाद में फिर क्या करते हैं, ऐसे देखना ये हमारे हाथ हैं, हैंड दोनों, इन हाथों को हम क्या करते हैं, पूरी जो हमारी ये गदेली है इनको क्या करते हैं अपने, ये जो दिखाना जरा, ये वाले जो हमारे अंगूठे हैं ना, अंगूठे के इसके नीचे जमीन के लाना है ऐसे एकदम बराबर, ठीक है, और ये पैर सीधे एकदम होने चाहिए ऐसे, ठीक है, ऐसे ये ऐसे बराबर एकदम से करना चाहिए, ठीक है, ऐसे ऐसे कर सकते हो, ठीक है, ऐसे करने के बाद में, ठीक है, तब आपकी बॉडी पूरी नरम हो जाएगी। फिर उसके बाद में आप चाहो तो क्या कर सकते हो, ऐसे देखना अपने पैर बराबर ले जाना, ये पैर, ठीक है, इतने पैर रखना कि जो हमारी ये चेस्ट है ये यहाँ से इनके बराबर आ जाए, ठीक है, इनके बराबर आने के हाथ क्या करोगे, हाथ चाहो तो ऐसे कर सकते हो उल्टा, है ना, उल्टा कर सकते हो। उसके बाद में क्या करोगे, फिर आराम से, ठीक, पूरे पैर नहीं नीचे लगने चाहिए, ऐसे करोगे, ऐसे करने के बाद में, ठीक, ऐसे देखना पैर, ये हमेशा ध्यान रखना कि प्रॉपर होने चाहिए, इसका मतलब ये नहीं एक पैर में जोड़ देना, कहना नहीं यार, और ज़्यादा दूर भी नहीं होना चाहिए, बराबर होना चाहिए हमारे शोल्डर के बिल्कुल बराबर। फिर ऐसे आराम से पूरा अपना नीचे नहीं बैठना ना, इतना रहना, ठीक, आराम से ऐसे, ठीक है, ताकि आपके क्या है कोहनी पे और ये जांघों पे इस पे क्या पड़े, बैलेंस पड़े, ठीक है, ऐसे, ठीक, ऐसे कम से कम आप अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो अपने हिसाब से कर सकते हो, कम से कम 20 तो लगाना है, नहीं तो आप जितना बढ़ा सकते हो उतना बेटर रहेगा आपके लिए, ठीक है, बेटर रहेगा। मैं तो ऐसे बोलूँ तो मैं 60 तक कर देता हूँ, और आप जैसा कर सके वैसा कर लें, ऐसे करने के बाद में, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट ये हो गया, हाँ, फिर आपको क्या करना है, ऐसे, ठीक है, प्रॉपर कर लेना, ताकि बॉडी कम से कम जब ये कर लोगे ना तब आपका हो जाएगा, लगभग बॉडी पूरी नॉर्मल हो जाएगी, फिर आप ऐसे ऐसे कर सकते हो, ठीक है, देखना फिर चेस्ट क्या होगा, ये जो सारी मुझे मसल पेशियाँ होंगी सारी नॉर्मल हो जाएंगी, ढीली पड़ जाएंगे, ठीक, ऐसे करने के बाद में फिर आप अगर ये करने के बाद में, और फिर एक बार एक ऐसा कर लेना, हाथ ऐसे स्ट्रेट करना बराबर, दोनों के दोनों खड़े रखना, ठीक, पहले चाहे लेफ्ट करो या राइट करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक, अपने हिसाब से बैलेंस कर लूँगा। तो ये वाला किया, ठीक, ये वाला हाथ एक हमारा स्टॉप रहेगा वहीं पे स्टे रहेगा, एक चलेगा, ठीक, और ये भी ध्यान रखना है कि बराबर शोल्डर के होना चाहिए, ऐसा ना ऐसे ऐसे करना, ऐसे नहीं ऐसे मत करना, कुछ लोग तो ऐसे ऐसे करेंगे तो इसका क्या मतलब, दाल थोड़ी ना, ऐसे बराबर स्ट्रेट एक हाथ रखना शोल्डर, और इसको बराबर में लेना ऐसे, ठीक, अरे बराबर में ऐसे शोल्डर रख, ठीक, फिर एक बार इसको सीधा करने के बाद में ये कम से कम 2-2 मिनट करने, एक एक हैंड एक खड़ा ही रखना, और उल्टा सीधा दोनों तरफ, ठीक है,
ताकि ये वाले हमारे शोल्डर नॉर्मल हो जाए, फिर इसका इधर वाला ये खड़ा रहेगा, फिर ये वाला सही दो बच्चा ये, फिर ऐसे, फिर देखना आपके ये शोल्डर बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे। फिर इसके बाद में जब आपका ये सारा कुछ हो चुका होगा, फिर उसके बाद में क्या आप ले सकते हो डम्बल वम्बल ऐसे हो, मैं आपको एक मिनट दिखाता हूँ, यही रखना ही। एक छोटा एक बड़ा हो बराबर लाए होते, देखो अपने हिसाब से बना सकते हो, क्योंकि भाई घर है यहाँ पर नहीं है, घर पे होम के लिए, तो इसको चाहो तो इसको कर सकते हो। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो, लग रहा है कि आप कंफर्टेबल नहीं हो, तो इसको कर सकते हो। ठीक, ये ध्यान रखना, ये सीना जब आप सांस लो उसको ऊपर उठाओ तो सांस आपकी फुल्ली होनी चाहिए, भरी होनी चाहिए जैसे, ठीक ऊपर आ जाए सांस छोड़ देना। ठीक है, ऐसे हो गया, ऐसे कर देना जितना आपको कंफर्टेबल लगे, रोज डेली बढ़ाना है, फिर ऐसे। लेकिन ये ध्यान रखना जब ऊपर हाथ आए सांस भरी होनी चाहिए अंदर, और नीचे जाने के बाद छूटनी चाहिए। ठीक है, ऐसे कर सकते हो, अपने घर पे बना सकते हो। ठीक है, ये देखना दूध वाले जैसे डब्बे, चाहो तो इसका कर सकते हो, 1 kg हो गया, ऐसे कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ सभी को लोगों को, नहीं तो फिर बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। ये हो गया, अब उसके बाद में, अब ये तो हो गया, आपके सारे स्टेप हो गए। ठीक है, अब उसके बाद में चाहो तो क्या कर सकते हो, आप क्या करोगे, बिफोर आई हैव टू स्टार्ट, हाँ जी, सबसे पहले क्या करोगे आप, ऐसे ये देखना, ये वाले हाथ दोनों प्रॉपर दिखाना चाहिए था, देख रहा सब, ये वाले हाथ ठीक है, जूम करके दिखा देना, ठीक है, यहाँ पर मैं बताऊँ उसको, जूम कर लेना उसमें, ये दोनों हाथ, ये हाथ ये ध्यान रखना हम इतना रखेंगे दूरी पे कि हमारे शोल्डर के बराबर होने चाहिए, ये नहीं कि एक पास में हो जाए या दूर हो जाए, ठीक, शोल्डर के बराबर में, इसीलिए हमारे शोल्डर, ठीक, हमारे शोल्डर के लगभग बराबर में, ये पैर ऐसे कर सकते हो चाहो तो एक पास में कर सकते हो, वैसे दूर रखोगे तो बेटर रहेगा। ठीक है, अब कैसे करोगे, सांस भरोगे, अंदर जाने नीचे जाते समय क्या करोगे देखना, नीचे जाते हुए सांस भरोगे, ऊपर आने पे खींच छोड़ दोगे। ठीक है, आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, वैसे तो मैं 20 या 15 ऐसे 20 तक लगाता हूँ, लेकिन आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो। फिर उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये जब आपके हो गए उसके बाद में आप थोड़ा फिर ऐसे ऐसे रिलैक्स करोगे। ठीक है, डम्बल बना लोगे तो अपने हाथ भी नरम कर लोगे ऐसे ऐसे करके। ठीक है, कोई इससे फ़र्क नहीं, दिक्कत नहीं होगी, ऐसे ऐसे कर लोगे तो ये जो जो हमारी कलाई ये सारी नॉर्मल हो जाएगी। उसके बाद में फिर आप फिर क्या करोगे, फिर ऐसे करोगे ताकि बॉडी फिर क्या हो कहीं एक जगह पर दिक्कत ना हो, फिर एक्सरसाइज करोगे ऐसे। ठीक है, तो ये सारे आपके स्टेप हो गए। अभी एक और, वैसे तो कई सारे हैं, मैं एक और बताता हूँ, सबसे ज़्यादा सिस्ट बनाने के लिए और सिक्स पैक बनाने के लिए बेटर सबसे बेस्ट तरीका वो, ठीक, वैसे है तो सभी ज़रूरत है, क्योंकि किसी एक चीज़ को करने के बाद में सिर्फ एक चीज़ करोगे, दो चीज़ करोगे तो फिर बॉडी पे असर पड़ेगा एक जगह दो जगह पर, लेकिन हमारी पूरी बॉडी पे इफेक्ट पड़ना चाहिए ताकि हमारी बॉडी कंफर्टेबल फील करे। ठीक, अभी से ये वाले हाथ देखना, अरे देख ये वाले मेरे हाथ है, अरे साफ देखा, हमने ये हाथ एक पास में कर लिया। ठीक, ऐसे पान बना सकते हो, पान पत्ते खाए हो नहीं, दिल बनाए थे, खाए हो ना, नहीं दिल बना सकते हो या पान कुछ भी ऐसे। ठीक, हम ऐसे कर सकते हैं, लगा, अब क्या करोगे देखना, सांस भरना। ठीक, हे
रहेगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है? ठीक। कम से कम ये वाली जो लगाना है, जो मैंने बताया, कम से कम 15 आपको लगानी ही लगानी है। अगर स्टार्टिंग में कर रहे हो तो अपने हिसाब से कर सकते हो, ये तो 15 जरूर लगानी है, 15। अगर दो स्टेप में लगा दोगे बेटर रहेगा। फिर उसके बाद में ये वाली लगाने के बाद में फिर क्या करोगे, फिर ये वाली मारोगे पुशअप, ठीक है? ये वाली मारोगे, जितनी मार देना, आगे मार देना, बराबर ही मार देना, डबल हो जाएंगे। चेस्ट वाला जरूरी है, ठीक है? उसके बाद में फिर क्या करोगे, ये मैं मेन मेन स्टेप बता रहा हूँ, ऐसे हैं तो बहुत सारे। अरे अब सोचोगे कि मेरे पास कहाँ से है भाई, मैं भी एक्सरसाइज गया हूँ, तो मैंने भी वहीं से कोचिंग ली है, सीखी है, तभी मैं बता रहा हूँ, ठीक है? अब ये डिपेंड करेगा, कहोगे यार आप, तुम्हारे तो खुद नहीं सिक्स पैक हैं, हमारे क्या होंगे, ठीक है? लेकिन मुझे कंफर्टेबल बहुत अच्छा फील होता है, मुझे इतना कॉन्फिडेंस है अपने पे, और मैं वो मेरे वर्कआउट पर डिपेंड करेगा। आपसे कहा जाए कि आप कितना याद है, तो आप जितना मेहनत करोगे उतना याद होगा, तो वैसे ही बॉडी पर है, हम जितना अप्लाई करेंगे। उसके बाद में फिर आपको क्या करना, आप एक बिस्तर ले लेना, रुकना।